अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने रिव्यू करना है जी इस सन ब्लॉक का। अच्छा, सबसे पहले जो एक चीज़ मुझे जो है ना मुझे समझ में आई ये कि हमारे पाकिस्तान में जो ना बच्चों के सन ब्लॉक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बच्चों के क्या मेरा ख्याल है कि 100 में से 30% ऐसे हैं, 100 में से 30% ऐसी आवाम है जो कि सन ब्लॉक यूज़ करती है, बाकी 70% उनको नहीं पता। और जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती होंगी। वो कह रही होती होंगी हमने तो सारा दिन घर में रहना है, हमने कौन सा बाहर जाना जो हम यूज़ करें। तो फिर बच्चों के सन ब्लॉक का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि बच्चों के भी कोई सन ब्लॉक कोई दुनिया में चीज़ है और बच्चों को लगानी भी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आइडिया मुझे इस तरह हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टोर अच्छी फार्मेसी से पूछे, जहाँ ऐसी फार्मेसी से जहाँ आपको पता हो कि ए टू जी आपको हर चीज़ मिल जाती है, बट वहाँ नहीं थे। और बहुत सारे स्टोर्स पर भी देखा, नहीं मिला मुझे। और सिर्फ एक ब्रांड जो है रिवाज के। अच्छा जी, बीच में जो ना मैंने इसलिए कट की है वीडियो क्योंकि ये वीडियो जो ना बना 3 से 4 दफ़ा मैंने बनाई है, लेकिन इसमें इस किस्म की आवाज़ें बैकग्राउंड में आती है ना कि बस मैं बता नहीं सकती। और अभी जो है ना इसमें अजीब सी आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में आएंगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे नेबर में। और मैं 3 से 4 दफ़ा जो ना दोबारा से जो ना बना चुकी हूँ, बट अब जो है ना आपने इसको इग्नोर करना है, बैकग्राउंड वॉइस को, और फोकस करना है रिव्यू पे। तो चलें बाकी का रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। उसका जो है ना मिल रहा है हर जगह से आपको, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। रिवाज यूके की मैंने एक चीज़ यूज़ की है, इसलिए सनब्लॉक मैंने यूज़ नहीं किया जो बच्चों वाला है, इसलिए मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। बड़ों का भी है, बच्चों का भी है, और इसके अलावा और बच्चों का कोई भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये भी कहीं हो। नहीं तो अदर देन जो है ना इसका न्यूट्रोजीना का भी बच्चों का बहुत अच्छा है सनब्लॉक, लेकिन वो भी यहाँ नहीं मिलता। और निविया का भी है, वो भी नहीं पाकिस्तान में। बट एनी वे चलें, ये वाला मुझे बहुत मुश्किलों से मिला था, ये अल्फतेह स्टोर से मुझे मिला है। और ये दो किस्म का था, एक 30 SPF था, ये 30 SPF है। ठीक है जी, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है, बहुत अच्छी बात है। जब भी आप किसी चीज़ को लेते हो तो उस पर हर चीज़ देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स, सनब्लॉक क्रीम मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, यूजेस इसके मेंशन है, अदर इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन ऑफ यूजेस, स्किन टाइप हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, एवरीथिंग। कि आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ना, समझ नहीं आ रही तो आपको ये चीज़ नहीं है, ये कौन सी टाइप है, ये कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, ए टू जी हर चीज़ जो है मेंशन है। एक अच्छी प्रोडक्ट जब आप ख़रीदते हो तो उसकी अच्छी चीज़ यही होती है कि आपको ए टू जी इन्फॉर्मेशन दी जाए। और बहुत अच्छी इसकी पैकिंग है, इसकी कार्डबोर्ड देख के दिल खुश हो गया था कि कोई अच्छी चीज़ पड़ी हुई नज़र आ रही थी, कोई अच्छी चीज़ ली है। नहीं तो बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें भी लो ना तो उनकी पैकिंग बड़ी थर्ड क्लास होती है, बट बहुत ही अच्छी पैकिंग है। तो अब मैं आपको इसकी इनर में पैकिंग दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये इसके अंदर से प्यारी सी सोनी मोनी सी ट्यूब निकलती है और इस पर क्यूटू सा बच्चा बना हुआ है। और ये 130 ml की ट्यूब है या पैकिंग है, जो भी इसे कह लें। और हमने 2 महीने से आई थिंक ज़्यादा ही हो गया यूज़ करते हुए, लेकिन अभी भी अच्छी खासी जो है ना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हवा भरी हुई, अच्छी खासा सनब्लॉक ही भरा हुआ है कि आपका जो ना 8-9 महीने आराम से गुजर जाए या साल ही गुजर जाए। गर्मियों में ये होता है कि थोड़ी अमाउंट लगती है, इसलिए जो ना काफ़ी टाइम गुजर जाता है। और सर्दियों में ये है कि अब जैसे धूप में, अगर ये आप पे डिपेंड है, अगर आप लोग खुद भी या बच्चों को भी थोड़ी देर धूप में बिठाएंगे तो ही ख़त्म होना है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाना है। तो इसलिए जो है ना सर्दी आ रही है, सुबह के टाइम बच्चे घर पर नहीं है तो नहीं, लेकिन असर के टाइम बच्चे घर पर हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत आउटडोर एक्टिविटी करवाएं धूप में, जहाँ भी आपके गेट के सामने या आपके कारपोर्ट्स में आ रही है, आपके टेरेस में आ रही है, जहाँ धूप आ रही है खुद भी वहाँ बैठ जाएं। और मतलब कि बच्चों को भी बिठाएं, खुद भी सनब्लॉक लगा के बैठें और बच्चों को भी सनब्लॉक लगा के वहाँ बिठाएं, कुछ होमवर्क कर लें या कोई एक्टिविटी बच्चे कर लें, गेम कर लें, कोई गेम खेल लें, तो सनब्लॉक लाजमी लें आप। और इसके अलावा जब घूमने फिरने जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ पे, बहुत ज़्यादा स्किन टैन हो जाती है अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाते हो, और बहुत ज़्यादा स्किन बर्न होती है, तो वहाँ तो आपने ये 2 चीज़ें ले जानी है, एक अपना सनब्लॉक और एक बच्चों का, दोनों चीज़ें आपने लाजमी सबसे पहले रखनी है, और कुछ बेशक रह जाए ये ना रह जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस पे जो है ना ये वोकोली ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, स्किन केयर इनकी रेंज काफ़ी अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। और इसकी प्राइस में 500 से 600 तक का ये मिला और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, इतने कम पैसों में ये बहुत अच्छी सुपर डुपर चीज़ मिली। और हर चीज़ की जो है ना पैकिंग बहुत ही कमाल है, मुझे सबसे पहले इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी थी। और जी 30 SPF है, PA++++ है, 30 SPF है, इट्स मीन कि 97% जो ना हमें मतलब हम लगाएंगे तो हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, PA++++ PA प्रोटेक्शन के ग्रेड्स हैं और ये जो ना ग्रेड होते हैं 1, 2, 3, 4, और ये 3 ग्रेड्स हैं, इट्स मीन कि ये हमें हाई जो है ना UVA से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर सिंगल ग्रेड हो तो फिर इट्स मीन कि ये हमें सम
थोड़ी बहुत यूवी ए से प्रोटेक्शन देता है, अगर 2 हो तो फिर ये मॉडरेट यूवी ए से प्रोटेक्ट करता है, 3 हो तो फिर ये हाई यूवी ए से प्रोटेक्ट करता है, और अगर ये 4 ग्रेड पे आ जाए तो ये एक्सट्रीमली हाई जो है यूवी ए से हमें प्रोटेक्ट करता है, बट ये हाई जो है यूवी ए से ना प्रोटेक्ट करता है 3 ग्रेड है। उसके बाद ये जी प्रोफेशनल केयर फ्रूट ऑफ द कॉली, इसके नाम लिखा हुआ है, किड सन क्रीम लिखी हुई है, हाई प्रोटेक्शन लिखी हुई है, यूवीए यूवीबी, यूवीए मीन के एजिंग, यूवीए जो होता है ना वो स्किन पे जो फ्रैकल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, नॉर्मली ये धूप से जो होती है ना फ्रैकल्स आते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। यूवीबी जो होती है बर्निंग से स्किन बर्न हो जाती है, टैन हो जाती है फोरहेड से, चीक से अजीब से रैश आ जाते हैं, और स्किन फटी हुई और जली भी लगती है जब आप कहीं धूप में बहुत देर तक रहते हो तो आपकी स्किन स्किन जो है ना बर्न होती है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद इस पे जो मेंशन है वो ये है, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन ए सी ई, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, मतलब मुंह भी धो लें और पसीने भी आ जाए तो ना कहीं नहीं जाएगा, मुंह पे लगा रहेगा। इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है, हाँ सीरियसली मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि पूरी गर्मियों में बच्चों में कुछ भी नहीं लगाती थी लोशन और क्रीम, बस यही ज़रा सी इसकी अमाउंट लगानी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कितनी अमाउंट लगानी होती है, तो अच्छा खासा स्किन जो है मॉइस्चराइज हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि बच्चों की स्किन पे कोई दाने शाने इस तरह का निकला हो, 2 महीने से ज़्यादा मैंने टेस्ट किया, कुछ भी नहीं है। टीनेज बच्चों के से लेकर छोटे बच्चों के, अगर आप 5 साल के भी बच्चे भी लगा रहे हैं तो कोई इसने मसला नहीं किया, कोई रैश नहीं किया, कोई भी होता है ना कि समटाइम छोटा बच्चा जब उसके लगाते हैं तो मलते हैं आँख, तो कोई भी इरिटेशन आँखों को नहीं हुई। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, प्रोडक्ट ऐसे होती है जिससे आँखों में इरिटेशन होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, पानी निकलता है, इसने कुछ भी नहीं ऐसा किया। और सन प्रोवन है, सन टेस्टेड है, प्रोटेक्ट्स एजेंट्स है, प्री मेच्योर एजिंग है, सुपरफेशिया और सारा कुछ लिखा हुआ, और ये सारा कुछ वही जो इनके कार्डबोर्ड पे मेंशन है वही इस पर मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स यूजेस और बेनिफिट्स वगैरह। अच्छा जी, ये बात करते हैं कि इसकी कितनी अमाउंट लगानी चाहिए, इसकी बिल्कुल आपने थोड़ी सी अमाउंट लगानी है, ठीक है। और इसमें जो ना वाइट कास्ट बिल्कुल माइनर सी है, ज़्यादा वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं है, बस इतनी सी आपने लेनी है, और जो सन और बहुत अच्छी ये क्वालिटी का सा ये कैप है, ठीक है, ये लेनी है आपने, बस थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, और आपने ना इस तरह इसको हर जगह पे जो है ना फैला देना है स्किन पे, और फिर इसको रगड़ना घिसटना नहीं है कि जी बिल्कुल जज्ब हो जाए स्किन में घुस जाए, ऐसे नहीं है, तो आपने बस इसको हल्के हाथों से ना ऐसे ऐसे बस हल्का हल्का स्प्रेड करना है हर जगह पे, और आपको देखने में लगता होगा ये बहुत ही चुट्टू चुट्टू बग्गा बुग्गू हो गया, ऐसा नहीं है, बग्गा चट्टा नहीं करेगा आपके बच्चे को, भूत नहीं बनाएगा, बस ये है कि ये लगाने पे थोड़ा सा आपको ऐसे वाइट सी इसमें कास्ट लगती है, बट बिल्कुल माइनर सी है, बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश सी स्किन आ जाती है, हो जाती है बच्चों की जब लगाते हैं बच्चे, और ये ना 5 मिनट के बाद बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा बिल्कुल ही, और इसकी फ्रेग्रेंस ना बहुत ही अच्छी है, बहुत माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, कोई इतनी नहीं है कि केमिकल टाइप या बहुत खुशबुओं वाली कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसकी। और जी इसको जो आप जो है ना बाहर जाने से पहले आपने कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पहले लगा लें, 15 मिनट पहले लगा लें, ठीक है। और अगर आप सारा दिन कहीं घूमने फिरने गए और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है तो फिर आप जो ना 5 से 6 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई करें, पर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं आई थिंक कि उनको ज़रूरत है, क्योंकि चले जाना है फिर अंदर बैठे हैं ना या फिर वापस आना है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी एक दफ़ा अगर आप सुबह लगा देते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ये है कि पहले आप फेस वॉश बच्चा करेगा, बड़े बच्चे हैं छोटा बच्चा है, फिर आप कोई भी क्रीम लोशन लगाते हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो जॉनसन का बेबी लोशन यूज़ करते हैं, वो लगाएं उसके बाद देन इसको अप्लाई करते हैं। गर्मियों में तो मैं इसको ऐसे ही लगा देती थी, बच्चे लगा लेते थे, और लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है स्किन को, तो ये लगाएं और लिप्स पे वैसे लगाएं और रेडी टू गो। अच्छा जी, और इसके बारे में क्या था, और प्राइस भी मैंने आपको बता दी है, और बस आपने अमाउंट इसकी थोड़ी सी लगानी है, बेशक आप अपना भी लगाते हैं ना थोड़ी सी अमाउंट में लगाना है, और बच्चों के भी आपने थोड़ी सी की, देखें बिल्कुल ही गायब हो गई है इसकी वाइट कास्ट, नहीं है नहीं छोड़ी इसने, तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए आप लोग भी इसको ज़रूर परचेज करें, मतलब इतनी सारी बोतल में अगर आपके 2-3 बच्चे भी हैं ना तो 8 महीने या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, आप पे डिपेंड है कि आप धूप में कितनी देर जाके बैठते हैं और आपका कितना आना जाना, दिन में कितनी दफ़ा आप बाहर आते जाते हैं, अगर सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं तो बस एक दफ़ा लगेगा, और अगर गर्मियों में तो एक दफ़ा ही लगता है क्योंकि इतना नहीं धूप में हम जा ही नहीं सकते। हाँ सर्दियाँ, सर्दियों में अगर आप दिन में एक दफ़ा 2 दफ़ा बैठ रहे हैं धूप में तो फिर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो सकती है, और मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं बच्चों को हुआ, और इसलिए मैंने जो है ना इतना टाइम के बाद इसका रिव्यू किया है ताकि मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि अब 15 साल के बच्चे के भी मैंने यूज़ करके देख लिया और 5 साल के बच्चे के भी यूज़ कर लिए, कुछ भी इसने जो है ना नहीं इरिटेशन नहीं की, कोई दाने नहीं निकले, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जब लगाते हैं तो बच्चे की फेस काफ़ी फ्रेश लगता है उस टाइम, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसलिए आप लोग भी लें ज़रूर, बच्चों के लिए जो है ना लाजमी बच्चों को इसका आदि करें सनब्लॉक का,
क्योंकि सम टाइम देखते हैं कि जब टीन एज में बच्चे होते हैं ना, उनकी स्किन पे ब्राउन स्पॉट्स और इस तरह के जीप से फ्रैकल से आना शुरू हो जाते हैं, वो सारा कुछ ये होता है धूप की वजह से। और धूप में जाने से ना डरें, इसको लगाएं और यूवी ए यूवी बी से बचने का सोल्यूशन ढूंढें और धूप में बैठें, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हर एज के लिए, टीन एज हो, यंग गर्ल वुमेन हो, या फिर हमारे सीनियर्स हों, बच्चे हों, जो भी है ना, उनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धूप से जो है ना, अगर आप धूप नहीं लेते तो बहुत सारे मसाइल बनते हैं, जैसे बाल गिरते हैं, और ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को और बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। इसलिए जो है ना, धूप में आप बैठें सुबह के टाइम और शाम के टाइम, दिन में एक टाइम लास्ट में जो ना थोड़ी बहुत 15-20 मिनट आप धूप में रहें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिल लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, और कोई भी इसमें बात रह गई हो, पॉइंट रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और चले जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।